हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी चैनल का नाम है ट्विंस विद हिज मम्मी। आज मैं आपको मेरी डेंटल केयर के बारे में बताने वाली हूँ, डेंटल हाइजीन के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मुझे इस फील्ड का ज़्यादा नॉलेज है, बट मैंने कुछ 2 साल में लास्ट मैंने काफ़ी सारी डेंटल ट्रीटमेंट करवाई है, तो एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैंने यहाँ यह साइड के 3 दांत में रूट कैनल करवा के कैप करवाई है। एक विजडम टूथ निकलवाया है, ऊपर का एक दांत खराब था वो निकलवाया है। ये साइड फिलिंग करवाई है 2 दांत में, और एक यहाँ पे सर्जरी से विजडम टूथ निकलना बाकी है, वो मैं बहुत ही जल्द करवाने वाली हूँ। मतलब सोचिए, मैंने इतनी सारी ट्रीटमेंट करवाई है, तो इस बेस पे मेरे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले मैं मेरे दांतों को लेके बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी, मतलब केयरलेस थी। सुबह उठा, मॉर्निंग में ब्रश किया, बस पूरा दिन खाया पिया, ना ही गार्गल किया, पानी तो पीते बट आफ्टर एवरी मील या कुछ भी, आप चॉकलेट भी खाया या कुछ भी खाया, आपको मुंह रिंस करना पड़ता है, गार्गल करना पड़ता है, कुल्ला करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स रहते हैं फूड के, वो दांतों के बीच में अटक जाते हैं और उससे सड़न हो जाती है। बट उस टाइम मैंने इतना केयर नहीं किया था मेरे दांतों का, इस वजह से दांतों में काफ़ी सड़न हो। इवन रात को भी मैं ब्रश नहीं करती थी, कभी कभी तो खा कुछ भी मुंह में चॉकलेट वॉकलेट डाल के खाते, पानी बगैर पिए मैं सो जाती थी, तो मेरे दांतों को काफ़ी उस वजह से डैमेज हुआ है। तो मैंने जो सफ़र किया है वो आप ना सफ़र करो, इसलिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट के दौरान मुझे समझाया बताया कि क्या करना है आपको, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि नॉर्मल तो हम ब्रश तो करते ही है एवरी मॉर्निंग, बट हम डेंटल फ्लॉस, यहाँ पे डेंटल फ्लॉस इंडिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग इसे मतलब रेगुलर यूज़ करते हैं। वैसे थ्रेड टाइप भी कुछ आता है, थ्रेड भी आता है उसका लंबा, बट मुझे ये कन्वीनियंट लगता है। इस तरह की डिब्बी आती है, इसमें काफ़ी सारे आते हैं, तो मुझे ये डॉक्टर ने बोला तो मैं यही यूज़ करती हूँ। इस तरह से आता है, यहाँ पे धागा रहता है, इससे आपको आपके दांतों के बीच में डालना है, ऐसे थोड़ा घुमा के अप एंड डाउन निकालना है। इससे क्या होता है कि आपके दांतों के बीच में, ब्रश से तो ऊपर का जो क्लीन होता है, बट दांतों के बीच में जो खाना फंस जाता है वो इससे इजीली निकल जाता है। जैसे कि देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा, यहाँ पे देखो, ऐसे ऐसे घिस के डालना है, घिस के बाहर निकालना है। इस तरह से ऊपर का कैसे करेंगे, इस तरह से आपको सारे दांतों के बीच फंसाना है, निकालना है। स्टार्टिंग में मेरे को भी एडजस्ट नहीं हो रहा था, आगे के दांत इजीली मैं कर लेती थी, लेकिन अंदर के दांतों में मेरे से नहीं हो रहा था। बट आफ्टर प्रैक्टिस मैं इजीली अभी करती हूँ। मैं एवरी नाइट में ये डेंटल फ्लॉस करती हूँ, सुबह में नहीं करती हूँ, क्योंकि रात को फ्लॉस ब्रश करके मैं सो जाती हूँ, फिर मैं रात भर कुछ खाती नहीं हूँ, तो सुबह उठती हूँ तो कुछ खाना अटका हुआ नहीं रहता है, तो मैं एवरी नाइट में मैं फ्लॉस कंपल्सरी अभी यूज़ करती हूँ। इसमें एक डिब्बी टाइप भी आता है जिसमें लंबा थ्रेड रहता है, उसको उंगलियों के बीच पिसा के ऐसे ऐसे करना रहता है, बट मुझे ये थोड़ा इजी लगता है, ये थोड़ा उससे कॉस्टली है, बट ये काफ़ी इजी है यूज़ करने में। अब दूसरा, मुझे पहले जो मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे इंटरडेंटल ब्रश बोला था दांतों के बीच की सफाई करने के लिए, बट एक्चुअली फ्लॉस ज़्यादा बेटर है। फ्लॉस हो है वो सभी डॉक्टर्स बोलेंगे आपको कि फ्लॉस एवरीडे यूज़ करना चाहिए। तो इंटरडेंटल में ब्रश दिखा देती हूँ आपको किस तरह का आता है, इस तरह। इस तरह का आता है, इस पे ये कैप है उसकी, ये निकालना है। यहाँ पे तार रहता है स्टील का, और इसके अंदर छोटे छोटे ब्रिसल्स रहते हैं,
तो ये ब्रिसल्स से दांत के बीचों में डालना है। स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं ये होता था, काफ़ी बार तो ये मुझे ब्लीडिंग भी हो जाती थी इसके वजह से, बट अभी मैं इजीली यूज़ कर लेती हूँ। तभी उस टाइम मुझे बहुत ब्लीडिंग हो जाती, कहीं पे भी लग जाता, स्पेशली अंदर के अंदर करते वक्त, बाहर आप इजीली कर लेते हो। देखिए इस तरह से यूज़ करना है, ये दांतों दो दांतों के बीच डालना है और अंदर बाहर करना है। इससे क्या होगा, दांतों के बीच में जो खाना है वो निकल जाएगा और प्लस पीछे जो दांतों के पीछे जो प्लाक है वो काफ़ी इकट्ठा नहीं होगा वहाँ पे। सब दांतों में ऐसे करना है। ऐसे आप अंदर बाथरूम में काफ़ी इजीली कर पाते हैं, वैसे ही ऊपर करना है ऐसे। अभी मैं काफ़ी इजीली कर लेती हूँ, पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, ब्लीडिंग हो जाती थी, तार यहाँ वहाँ लग जाता था, स्पेशली अंदर के साइड करते टाइम में। बट मुझे डॉक्टर ने बोला, दूसरे डॉक्टर ने जहाँ पे मैंने, कि अभी आप इंटरडेंटल मत करो, फ्लॉस यूज़ करो अगर आप थोड़ा करना ही चाहते तो। फ्लॉस मुझे काफ़ी पसंद आया, वंस इन अ वीक मैं इंटरडेंटल यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं डेली फ्लॉस ही यूज़ करती हूँ। और करना ही चाहिए, इससे आपके दांत में सड़न बिल्कुल भी नहीं होगी, अदरवाइज सड़न हो जाएगी। और डेंटल एक्सपेंस जो होता है ट्रीटमेंट का वो बहुत ही ज़्यादा, मुझे बहुत ही भारी पड़ा इतनी सारी ट्रीटमेंट करवाई। इससे अच्छा है कि आप ये सब फॉलो करो। अभी वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपको पेस्ट कौन सा यूज़ करना है। नॉर्मली तो बहुत मार्केट में बहुत सारे पेस्ट अवेलेबल है, किसी में नीम है, किसी में तुलसी है, किसी में सॉल्ट है, बहुत सारे हैं। बट वो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको है ना प्लेन कोलगेट डेंटल क्रीम वही यूज़ करना है। पहले उन्होंने मुझे पूछा आप कौन सी ब्रांड का यूज़ करते हो, तो मैंने जो ब्रांड हम लोग यूज़ करते थे हर्बल, जिनमें लौंग था, तुलसी, ये वो, नीम वीम जो आता है वो मैंने बताया। बोला आपको ये यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है नॉर्मल डेंटल क्रीम आता है कोलगेट का, वही आपको यूज़ करना है। फिर मैंने डॉक्टर ने बताया तो मैं वो लेके आई, और वो क्रीम है ना वो बहुत, आप ट्राई करोगे ना, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही क्रीमी है। तो उससे क्या होता है कि आपका दांतों का जो ऊपर का लेयर रहता है, इनेमल जिसे बोलते हैं, वो नहीं घिसता है। जब नॉर्मल जो टूथपेस्ट आती है जो मैं यूज़ करती थी, मैंने फिर उसको देखा तो उसको उसके क्रीम मैंने हाथों में लेके ऐसे ऐसे किया तो वो थोड़ी रफ थी कंपेयर टू डेंटल कोलगेट डेंटल क्रीम के कंपेयर में। तो डॉक्टर ने बताया कि वो जो क्रीम है वो थोड़ी रफ आती है, उससे आपके दांतों के इनेमल जो रहता है वो ख़राब होता है, तो आप क्रीम यूज़ कीजिए। तो तब से हम लोग क्रीम ही घर में लाते हैं, कोलगेट डेंटल क्रीम, वो पहले वाला पेस्ट हम लोग ने बंद कर दिया है। अभी मैं आपको बताऊँगी कि आपको ब्रश कैसे करना है। आपको ब्रश सिर्फ 2 मिनट के लिए ही करना है, 2 मिनट में आपको ब्रश ऐसे ऐसे नहीं घिसना है, स्लोली रोटेशन में घिसना है, स्लोली घिसना है और हल्के हाथों से, प्रेशर नहीं देना है। मैंने प्रेशर देके ब्रश किया था तो मेरे थोड़े दांतों के इनेमल को डैमेज हुआ हुआ है, डॉक्टर ने बताया था। उन्होंने मुझे बताया कि आपको ऐसे ब्रश करना है, रोटेट करना है ब्रश को अंदर मुँह में डाल के, और पेस्ट है वो पी के साइज, मतलब कि ग्रीन पीस आते हैं, हरे मटाने आते हैं, उनके दाने के साइज का ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। एडवर्टाइज में दिखाते हैं कि वो पूरा यहाँ से यहाँ तक भर देते हैं पेस्ट, उतना नहीं लेना है उनको, वो उनका प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ हो इसके लिए वो दिखाते हैं। बट बॉक्स पे भी लिखा हुआ रहता है कि आपको पी साइज ही यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो आपको ऐसे ऐसे करना है, आगे का तो मैंने समझा दिया आपको कैसे करना है, अभी बात है दांत के पीछे के साइड की। तो दांत के पीछे के साइड आपको कैसे ब्रश करना है, मुंह में डालना है पीछे की साइड और ऐसे ऊपर करना है, वापस उठा के ऐसे 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 घिसना नहीं है, डालना है ऊपर करना है, डालना है ऊपर करना है। ऐसे ऐसे घिसोगे ना तो क्या होगा, प्लाक नीचे जाएगा, वहाँ पे फंस जाएगा, तो नीचे से ऊपर निकलना है, वापस नीचे से ऊपर, सेम अंदर की तरह ऐसे डालना है, ऊपर की तरह करना है, डालना है ऊपर की तरह करना है, ये साइड भी ऐसे ही, यहाँ पे ऊपर भी ऐसे,
मतलब वापस ऐसे ऐसे घिसना नहीं है पीछे, तो क्या होगा प्लाक है वो पीछे इकट्ठा नहीं होगा। वैसे तो 6-6 महीने में आपको डेंटल क्लीनिंग करवानी पड़ती है, प्लाक आप कितना भी करो इकट्ठा तो होता ही है, बट इस तरीके से करने से प्लाक बहुत कम इकट्ठा होगा आपका। और जैसे कि टंग, डेंटल हाइजीन में टंग का भी काफ़ी मेन रोल रहता है, टंग पे भी वो टंग क्लीनर रहता है, उससे सिर्फ नहीं करना है, जो ब्रश रहता है ब्रश से थोड़ा टंग पे घिसना है तो वो स्क्रब हो जाएगी आपकी टंग, फिर टंग क्लीनर से आपको क्लीन करना है, अकेले टंग क्लीनर से नहीं करना है, ब्रश को थोड़ा घिसना है, इसलिए स्क्रब मतलब ब्रश से सारा जो खाना अटका हुआ रहता है टंग में वो निकल जाएगा और आपकी टंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ट्राई कीजिए आप, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा बट आप फिर आपको एडजस्ट हो जाएगा। काफ़ी लोग डेंटल ट्रीटमेंट है वो अवॉइड करते हैं, मतलब खर्चा लगता है उनको, काफ़ी महंगा लगता है, बट देखिए खर्चा तो आज भी होगा कल भी होगा, आज करवाओगे तो शायद कम खर्चे में हो जाए, फिर आप थोड़े साल बाद करवाने जाओगे ना तो शायद आपको आपका वो दांत निकालना भी पड़े, और अभी वो दांत निकालने के बाद नया दांत तो आपको आने वाला नहीं है, तो बेटर है कि आप पहले ही खर्चा जो भी होता है आप डेंटल ट्रीटमेंट करवा लो, उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा दांत खराब रहता है ऊपर की साइड से थोड़ा बहुत, तो वो लोग थोड़ा वो निकाल के फिलिंग कर देते तो हो जाता है काम, फिर ज़्यादा अंदर डीप में खराब रहता है तो रूट कैनल करते हैं, रूट कैनल से वो खराब दांत है वो ड्रिल से निकाल देते हैं, अंदर कैविटी जो रहती है वो निकाल के साफ कर देते हैं, अंदर अच्छे से फिलिंग करते हैं, फिर ज़रूरत लगी तो ऊपर कैप बिठा देते हैं, तो वो फिर वो होता है। अगर फिर वो भी पॉसिबल नहीं है, आपका दांत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो फाइनली उसे निकालना ही पड़ता है, क्योंकि फिर उसका कुछ ट्रीटमेंट रहता ही नहीं है, और फिर निकालने के बाद आपको फिर वो स्क्रू वाले जो दांत आते हैं वो बिठाने को डॉक्टर बोलते हैं, तो वो दांत का ट्रीटमेंट फ़िलहाल अभी जो बताऊँगी तो 25,000 के अप्रोक्स आस पास है, रूट कैनल कैप के साथ कुछ 7-8,000 में हो जाता है हमारे यहाँ पे। तो बेटर है कि आप पीछे से डिसीजन लो दांत निकालने का, इससे अच्छा है कि पहले या बीच वाले जो भी आपके सामने आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट करवा लो, क्योंकि लास्ट में खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, आपका दांत निकालना पड़ेगा, इससे बेटर है कि आप जब भी आपको डेंटल प्रॉब्लम हो डॉक्टर के पास तुरंत जाइए और ट्रीटमेंट करवा लीजिए। और अभी और भी एक बात बता दूँ, मुझे डेंटल जब प्रॉब्लम हुई थी फर्स्ट टाइम तो काफ़ी लोगों ने बोला लौंग का ऑयल लगाओ, सोल्ट वाले पानी से गार्गल करो, नमक से ब्रश करो, मैंने सब ट्राई किया था उस टाइम, मुझे कुछ इतना ये पता नहीं था उस टाइम, सब ट्राई किया कुछ फ़र्क नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी आपके दांत ख़राब हो चुके हैं, अभी ये इन सब घरेलू चीज़ों से आपके दांत बिल्कुल भी वापस अच्छे नहीं होते, ऊपर से आपको प्रॉब्लम हो सकती है बट वो अच्छे नहीं हो सकते हैं आपके दांत। तो मैंने भी क्लोव ऑयल यूज़ किया था, वो यूज़ किया था तो एक तो दिन के लिए सिर्फ शांत रहते हैं आपके वेन जोनस रहती है वो शांत रहती है, फिर वापस पेन आपको शुरू हो जाता है, और क्लोव ऑयल से आप लगाते हो तो बोलते हैं, मैंने सर्च किया था नेट पे तो बताया गया था उसमें कि आपको उस टाइम जो शांत अच्छा लगता है बट रेगुलर यूज़ करने से आपको वो हार्मफुल है क्लोव ऑयल बहुत ही, मतलब मेरे तो एक बार गलती से टंग पे लग गया था, बाप रे माय गॉड, मुझे ऐसा लगा कि मेरे टंग पे हॉली गिर जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग रहता है, तो वो आप सोचिए कि आपके दांतों के वेन में है वो कितना इफ़ेक्ट कर सकता है, तो वो रेगुलर भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, और आपको डेंटल ट्रीटमेंट तो तुरंत ही करवानी पड़ती है। मैं मेरी डेंटल ट्रीटमेंट करवाने गई थी तभी एक लड़का आया था, उसको किसी ने बोला कि पेट्रोल से गार्गल कीजिए, और वो पेट्रोल से गार्गल कर किया होगा तो वो आया था तो उसको दांतों में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस तरह का सुन के आप कुछ भी उटपटांग होम रेमेडीज मत कीजिए, काफ़ी बार छोटा मोटा रहता है तो ठीक है बट आपके दांत जो खराब हो गए ऑलरेडी सड़ चुके हैं वो होम रेमेडीज से वापस ठीक नहीं होते हैं, आपको डेंटल ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ती है। जैसे कि एप्पल है या बड़ा एप्पल है, छोटा सा पोर्शन उसका कहीं पे दब गया है खराब हो गया है उतना हम निकाल लेते हैं, बाकी का अच्छा रहता है हम लोग यूज़ कर सकते,
बट सेम डेंटल में ही ऐसा है, जो खराब दांत है उसका वो डॉक्टर लोग निकाल देते हैं, आपको ट्रीटमेंट अच्छे से कर देते हैं, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जैसे ही मैंने बताया मुझे डॉक्टर ने जो वहाँ पे इतने टाइम में डेढ़ साल तक मैंने थोड़े थोड़े पार्ट में ट्रीटमेंट करवाई, उस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने जितना मुझे समझाया कैसे ब्रश करना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैप लगाने के बाद स्टिकी चीज़ आप नहीं खा सकते, लाइक इकलेट चॉकलेट है, फिर चिकी है, एकदम स्टिकी चिकी आती है वो भी आप नहीं खा सकते, वरना कैप है वो निकल जाती है बाहर, तो आपको इन सब चीज़ों का फिर ध्यान रखना पड़ता है। और प्लीज़ कुछ भी ऐसे डेंटल प्रॉब्लम है उसे इग्नोर मत कीजिए, फाइनली लास्ट में ऐसा होता है कि आपको आपका दांत निकालना ही पड़ता है, इससे अच्छा है कि पहले ही डॉक्टर के पास चले जाइए। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।